दुनिया में कोई ऐसी घटना नहीं है जिसके पीछे भगवान की कोई गलती हो सकती हो। सब बीमारियों का खेल, पीड़ाओं का फेल, दर्द है, जो भी हमारे साथ आज तक हुआ है, आज पूरा इसी के ऊपर है कि एक एक को अपने ही हमने गलतियों को देखने, किसी की बड़ी होगी, किसी की छोटी होगी। एक बार किसी का वो पति उसको इतना प्रॉब्लम देता था, बाद में पता चला पहले वो लेडी थी, पहले वो, जैसे कभी सास है बहू, कभी बहू है सास, आज वो पत्नी है, कल वो पति बनके भयंकर हमारे से हिसाब होता है। तो सल्यूशन जो है कि हम खूब सारी माफियां मांगे, चाहे 11 दिन लगे, 21 दिन लगे, 31 दिन लगे, 40 दिन लगे, रिजल्ट तो निकलेगा प्यारो। हमने इन कर्मों का आवागमन खत्म करना है ना, और आगे के लिए नहीं बनाना है। अपने आप खुद भी देखो, कितने जन्मों का पता चल जाएगा कि आप डॉक्टर थे, वकील थे, जज थे, क्या बन के आए, किस तरफ आपका शोक ज्यादा था, किस तरफ क्या था, इन सब चीजों का खेल है सारा। आज का सत्संग ही सारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो भगवान ने कर्मों की गति अति न्यारी है, लॉ ऑफ कर्मा है, और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं जो धीरे धीरे देंगे। फिर इसकी माफी कैसे मांगनी है, फिर मन वचन कर्म की तपस्या के कारण हमारा पास्ट रिग्रेशन होता है, इसलिए मौन करवाते हैं, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, किसी को भी जवाब मत दो ऐसे। तो ये सब चीजें जो है अभी तक पता भी था, लेकिन शायद एग्जाम्पल दे के आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कई बार फैक्ट्रियों में बड़ा बड़ा घाटा पड़ जाता है, हो सकता है 20 साल पुराना कोई मेरा हिसाब होगा, 30 साल पुराना मैंने किसी से कोई 10 रुपये, 30 साल पुराने पहले कितने 10 रुपये की कितनी कीमत होगी मैंने लिए होंगे, आज वो कितना 20 लाख बन गया होगा, तो मुझे घाटा पड़ जाएगा फैक्ट्री में, मैं बोलूंगी मैंने तो कुछ भी नहीं करा, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। वही मल्टीप्लाई हो गए हमारे कर्माज। जब तक गुरु नहीं मिलता है हमको पता नहीं चलता है। ईश्वरी हमने ना चोरी करनी है, ना किसी को लूटना है, हमने सारे अच्छे गुणों को अपनाना था। अभी लॉकडाउन में मुझे पता नहीं है कितने अपना पतन कर गए, हमें ये सब चीजें याद रखनी थी। ये छोटा काम नहीं था हमारा, जन्मों जन्मों का कर्म खत्म करने। एक बार एक घायल सांप था, चींटियां खा रही थी, तो वो संत के साथ कोई जा रहा था, तो उसने बोला ये क्या है, तो संत ने बोला देखो ये वही मछुआरा है जिसको मैंने रोका था मछलियां पकड़ने के लिए, इसने मेरी बात नहीं सुनी थी, आज ये मछुआरा ये बना है, उसको सांप बना है, और ये मछलियां जिनको इसने मारा था वो चींटियां बन के इसको खा रही है। कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जो भोगना तो पड़ेगा ही ना। अब हम नए कार्मिक कर्मास नहीं बनाएं। आज हमें कुछ भी हो जाए, भगवान जी का वचन था कढ़ाई में भी तल दे तो भी चू नहीं हो, इसका मीनिंग क्या है? इसकी तो पूरे जन्म तक के लिए कहानी बन सकती है। लॉ ऑफ कर्मा ही सारी सृष्टि का खेल है, जो कल करा था वो आज मिल रहा है। खाली इसी के तरीके से नहीं होता। सत्संग में हम मजा कर रहे थे, जाते थे, हमने सीरियस नहीं लिया, आज घर में बैठ के अपने वालों के काम करो बैठ के, जिन्होंने सत्संग में आके नहीं परवाह करी, नहीं कुछ करा, आज वो घर में बैठ के क्या कर रहे हैं, देखो कितना कितना, उसकी भी तो सजाएं ही है ना, सब चीज की सजा मिली है, कईयों को अभी के अभी मिल गई है। लेकिन सत्संग नहीं मिला हो तो पता कैसे चला कि हमने क्या करा सत्संग में आके, कि हमें भगवान ने इतनी सजा दे दी। नो एक्टिवनेस, कहीं जाना ही नहीं है, सुबह सुबह तैयार नहीं होना है, और रूटीन सारी खत्म हो चुकी होगी, कौन बताएगा तुम्हारी गलतियों को, उधर कोई गलतियां बताता था, अग्नियां क्रॉस करनी है हमने, कितना कुछ बताया जाता था, आज कुछ भी नहीं है। आज किसी के अंडर हम है ही नहीं है, किसी को आंसरेबल ही नहीं है, आज फ्री है सारे, किसी के गले में मालिक का पट्टा नहीं है, है ना। अभी सब हम स्ट्रीट डॉग बन जाएं तो सब लोग डरेंगे ना, मालिक का पट्टा हो तो कितना मजा है, जन्मों की यात्रा है, हम छूट जाएंगे। आज हम अगर रियली इसका रियलाइज करें तो हरिओम, भगवान करे खूब सारी ब्लेसिंग्स हो। दिस लॉ ऑफ कर्मा हमको पूरी हमारे जन्मों की कहानी क्लियर हो जाए और हम आगे के लिए फ्री हो जाएं। नो आवागमन, नो बार 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 आना। गॉड ब्लेस।